नमस्कार, आज मुझे झुंपुरी पोस्ता तैयारी करके देखेबी। पूर्वर झुंपुरी शागर राई तैयारी करके मध्ये देखेछि। ए झुंपुरी को लेके अनेक जिनस तैयारी करा जाय, जेंते कि केही केही एको डाली रे पकांती, संतोला रे पकांती, एमिति कि आलू एवं प्याज देके मध्ये भजा करा जाय। वर्षर एही समय रे ही झुंपुरी शाग मिलिथाय। जदियो ये को झुंपुरी शाग कहा जाए, किंतु अन्य शाग भली यह देखा जाए नी। यह देखा जमी सुंदरिया होता है, खावाक स्वादिया लगे। ये देखो, यहाँ हूँ झुंपुरी शागर भितर पाख कौलिया थी। यहाँ खावाक जमी लगे, टी मंजी गले खावाक भल लगे। आज ये झुंपुरी में पोस्त देखिए मुझे देखेबी। से मुझे गोटे कप लेखाएं आलु और कुंदरी को भल भाव धोईकी काटि नहींचे। गोटे कप झुंपुरी शाग नहींचे एवं दुई छोट चम्मच पोस्तरे अल्प जीरा और कंचा लंका देकी ताको मध्ये भल भाव चिकन करके बाटि नहींचे। एबे गोटे पैन टे गरम करनेली, तापरे सेथरे गोटे चम्मच तेल देली। तेल टिके गरम होगला परे एबे एथरे पंच फुटण दे देबी। फुटण फुटिगला परे काटिके रखिथिबा आलु एवं कुंदरी को मध्य देदेवि। मुझे प्याज रो व्यवहार करनी, आपण मैंने चाहिए प्याज को मध्य छोट छोट काटिकारे। तापर सब जिनस को भल भाव मिसई नबा। कुंदरी एवं आलु रे हल्का नाली रंग आसला पर्यंत ताको भल भाव भाजी नबा। एबे स्वाद अनुसार लुण एवं हलदी गुंड देदबा। पूर्वर बाटिकी रखिथिबा पोस्त बटा को मध्य एबे एथिरे दे देली। मु एथिरे टिके पानी मिसेकी धोई देछि, सेथि पय टिके पानीया लगुछि। अपन माने जदि पोस्त बटा बहळिया थिबो ताले एथिरे आधा कप पानी दे देबे, जेंति कुंदुरी आ आलू सिझिबा को सुविधा हबो। तापर सब जिनस को भल भाव मिसेइ नबा। बर्तमान चुलीर आंच को कम रे रखिकी 5 रो 7 मिनिट पय घोडी दबा। किछि समय पर देखंतु एथिरु पानी मध्य सुखी आसिलाणी। बर्तमान धोईकी रखिथिबा झुंपुरी शाग को एबे एथिरे दे दबा। पुणी आउ थरे सब जिनस को भल भाव मिसेइ नबा। जेहेतु एथिरे कौलिया झुंपुरी शागर व्यवहार होइछि, एटा सिझिबा को बेसी समय लागिबनी। एमिति कि याकु घोड़ेबा को मध्य दरकार हबनी। चुली रे 2 रो 3 मिनिट पई एभळी भाव रखिले एटा होइजिबो। ए देखंतु एबे एथिरु पानी मध्य पूरा भल भाव सुखी जाइछि। बर्तमान आमे चुली को बंद कर नबा। एबे आमर झुंपुरी शाग पोस्त तैयारी हो गला।